बुर्का इसीलिए पहने तुमने? बुर्का का हाँ क्या बोल, बुर्का क्यों पहना है? बुर्का तो पहने ये सब करने के लिए, मतलब क्या चाहता है कि ये सब तुम लोग करे? तुम जाओ, तुम जाओ नहीं, बुर्का इसीलिए पहने तुम, बुर्का इसीलिए बनाया वो बता, बुर्का इसीलिए बनाया हाँ ये सब करवाने के लिए। क्या नाम है? अफसर नाम। हाँ क्या होगा, क्या नाम क्या है, क्या हुआ, क्या नाम है, बोलना बोलना। अफसर नाम मुसलमान है ना, बड़ा मार दिया देखो, यहाँ खड़ के लड़की बुर्का पहनी है, तू उसको यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहे हैं, ये पहले से ये जानवरों वाली हरकत करने की जगह है क्या वो बता। अबे ऐसी मुसलमान लोगों को लोग टारगेट कर रहे, तो बेशर्मी वाली हरकत कर रहा, देखो जरा भी समझ में आ रहा क्या कर रहा, तो सुना रहा सुना तो तू कर रही सबके सामने। एक मिनट मेरा भाई, देख मैं बुर्के तक बर्दाश्त नहीं करूंगा, पर्सनल मैटर रहता ना, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन भाई वो मेरे दीन मेरे इस्लाम का लिबास है। एक मिनट, इस्लाम की बात है। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? तू मत पूछो, उन्होंने कर रहे थे। क्या नाम क्या तुम्हारा, बोलो ना नाम, बोलो तुम्हारा। तुम्हारे अम्मी अब्बा को मालूम यहाँ ये कर रहे तुम, तो बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है, बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है, जिनकी पूरी जिंदगी में एक बाल नहीं किसी घर में हमने देखा, ये बुर्का उनकी सुन्नत है। बहन के यहाँ पे ये चुम्मा चाटी कर रहे, क्या दिखाना सारे दुनिया को, तो मुसलमान लोग ये सब करने के लिए पैदा हुए, मुसलमानों का ये काम है? अरे एक टाइम था कर्नाटक में, वो बहने अल्लाह उनको सलामत रखे, लोग बुर्के के लिए आवाज़ उठ रही, हमारा हिजाब बैन नहीं होना चाहिए, आज तुम्हारी यही हरकत हुई है तो मुसलमान बर्बाद हो रहा, इन्हीं हरकत हुई है तो मुसलमान हर तरफ से बीच हो रहा, क्या समझ रहे तुम लोग, इस्लाम को क्या हल्के में ले लिए, दीन का मजाक है ये बुर्का है ना? एक मिनट, इसी के अब्बा की जागीर नहीं है, ये इस्लाम का दिया वाली बात है, अगर इसका अदब और एहतराम कर सकते हो तो पहनो, कोई गरज नहीं है तुम्हारी पहनने की, सही बात है, कोई गरज नहीं है पहनने की, मेरी बात सुन बनता है, ये सब मेरे को मत बता, देख क्या बोल रहा हूँ, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? और तो मैं बोल रहा हूँ ना, बोला तो बुरा लगा, तू ऑन द स्पॉट पब्लिक पैलेस में तूने वो हरकत करा, तो मैंने पब्लिक पैलेस में ही बोला, चार लोग अगर देख रहे ना तो सबको समझ में आना चाहिए बुर्का क्या चीज है, तो की बात नहीं है, इस्लाम दलक कोई आएगा अपने को बर्दाश्त नहीं है, अपने लोग ही अपने लोग ही बर्बाद कर रहे ना, फिर दिन का नाम अपने लोग ही खराब कर रहे ना, बुर्के का नाम कौन खराब किया, अपने लोग ही खराब किए ना, दुश्मनों की जरूरत है अपने को, तुम लोग बुर्का पहन के ये चीजें कर रहे हो, चलो नॉर्मली खड़े बात करे मतलब नहीं समझ में आता है, चुम्मा छाटी कर रहे, बेशर्मी की हद होती है, क्या बुर्का इसलिए पहना है कि मुसलमान यही काम के लिए पैदा हुआ, क्या ये काम है मुसलमान का? तुम लोगों को देख के ना लोगों की इमेज लोगों के जहन में ना गंदा आता है कि बोले मुसलमान यही औरतें करती है, मुसलमान औरतें यही करती है, चलो ना घर में जाते हराम को रंडी थाली लोग लोग बुर्का पहन के जाते, लोग क्या सोचते रहेंगे, अरे नॉन मुस्लिम है ना जो इस्लाम को नहीं जानते, उन लोग इस्लाम पढ़ने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में किताब पढ़ने नहीं आएंगे, उन लोग तुम्हारे किरदार को देख के तुम्हारे को समझेंगे, तुम्हारे मजहब का अंदाजा तुम्हारे किरदार से लगाएंगे, उन लोग क्या समझ रहे, जिनको हल्के भी नहीं है, कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी करके क्यों करके जा रहा है, इसी तरह तो पीछे हो ना, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ, घर पे तुम लगाओ, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ ना, तुम्हारे घर पे, अरे मेरा भाई देख, समझ रहा हूँ भाई तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ, समझ रहे अभी हम समझा दिए भाई, अब समझ गए ना, बोलो ना, तू चल नहीं भाई देख, मैं ना अभी मैं सुन मेरी बात सुन, बोलना बोलना मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मौत से डरता ही नहीं मैं, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत से डरता ही नहीं मैं, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे को कुछ डाउट लगा था, मैं बदनामी नहीं करना, मेरे को तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, कोई ना मेरे को तुम्हारी, मेरे को तुम्हारी, एक मिनट एक्सेप्ट क्या है, मुसलमान है तो तुम लोग दीन की नॉलेज है, बोलना हफ्ते में महीने में एक बार टाइम मिलता है, तू टाइम मिलता है ना खड़ के बात कर, कोई मसला नहीं, अरे भाई तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग का कुछ नहीं जा रहा, चलो आते आते लोग देख रहे ना, लोग गलत थिंकिंग कर रहे हैं, मुसलमान लोग ये करते बोले करके दिखा रहे प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू, मोहतरम नाज़रीन उम्मीद है आज करो आप फिर सोंगे काफी अच्छे होंगे। दोस्तों 1450 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के लोगों के दरमियान जानवरों की तरह जो ज़िना है ना वो आम न हो जाए। अल्लाह अकबर, यानी जिस तरह
जानवर खुलेआम सड़कों पर एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं यार। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के दरमियान ज़िना वैसे ही आम हो जाएगा, यानी लोग किसी की फिक्र नहीं करेंगे कि कौन देख रहा है, किसी से शर्मो हया वो नहीं करेंगे, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। यानी ज़िना का आम हो जाना ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यार आप लोगों ने वीडियो देखा कि एक नकाब पोश लड़की जो है रेलवे स्टेशन पर एक लड़के के साथ कैसे बोसो किनार, यानी एक दूसरे के साथ कैसे बोसो किनार कर रहे हैं। न तो उन्हें किसी से डर है, और जब डर नहीं है यार तो किसी से शर्म हया भी नहीं है। बुराई बुराई होती है, अगर कोई बंदा छुप कर करता है तो उसकी बात अलग होती है यार, लेकिन बताएं बिल्कुल खुलेआम रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे के साथ किसी वगैरह कर रहे हैं यार, बताएं उनकी गैरत कहाँ मर चुकी है। और ये मुसलमान कह रहे हैं, अपना नाम मुसलमान बता रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोगों ने और ऐसी ही लड़कियों ने इस्लाम को बदनाम किया यार। आज जो गैर लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हमारे इस्लाम को बुरा और भला कहते हैं, आखिर क्यों? तो ऐसी लड़कियों की वजह से। वरना अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसे मजहब और ऐसे दीन को मानते हैं यार जो तमाम दीनों से बेहतर दीन है, और जिस दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इशाअत फरमाया है रज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैं तुझे दीन इस्लाम देकर के राजी हुआ। यार जिस दीन से मेरा रब खुश हो वो दीन किसी दीन से कम नहीं हो सकता, वो दीन तमाम दीनों से फौकियत रखता है। लेकिन बताएं कि ये लड़की जो है घर से निकली है कि जा रही हूँ कॉलेज, जा रही हूँ स्कूल, लेकिन बताएं यार कि अपने माँ बाप को धोखा दे करके और अपने माँ बाप की छूट देने की वजह से वो स्कूल के नाम पर निकली है, कॉलेज के नाम पर निकली है, और अपने बीएफ के साथ जो है वो खुलेआम रेलवे स्टेशन पर किसी वगैरह कर रही है, बोसो किनार कर रही है। बताएं ज़रा सा भी ये ख्याल हुआ कि हमारे माँ बाप देखेंगे, हमारी बहनें देखेंगी, हमारे भाई देखेंगे, तो बताएं वो क्या कहेंगे यार, क्या कहेंगे वो। इन तमाम चीज़ों को पसे पुश्त रह करके और बिल्कुल खुलेआम जो है रेलवे स्टेशन पर एक दूसरे के साथ किसी वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल यही वो लड़कियाँ हैं जिनके दिलों में न तो इस्लाम की मोहब्बत है, न तो इस्लाम की हकानियत है। इस्लाम किसे कहते हैं, हम किस मजहब के मानने वाले हैं यार, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। और ये बिल्कुल इस्लाम को शरीयत को बदनाम कर रही है नकाब पहन करके। किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी के पर्सनली मैटर पर कोई इंटरफेयर करे, यानी किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी के जाती मामले में वो दखल अंदाजी करे यार। लेकिन याद रखिए कि जब कोई भी बंदा या कोई भी बंदी अगर खुलेआम शरीयत की धज्जियां उड़ाएंगी और जो है नकाब वगैरह पहन करके इस्लाम को बदनाम करेगी, शरीयत को बदनाम करेंगी मेरे भाई, तो याद रखें कि कोई भी बंदा होगा ना उसे ज़रूर उन सारी चीज़ों से रोकेगा और लोगों के सामने बुलाएगा। जैसा कि एक शख्स जो वीडियो बनाया है बेचारा, वो ये कह भी रहा है कि तुझे पता है कि जो है नकाब किसकी सुन्नत है यार। वो बंदा बता रहा है कि नकाब किसकी सुन्नत है, तुम नकाब पहन करके और इस्लाम को शरीयत को मजहब इस्लाम को तुम बदनाम कर रही हो। यार पता नहीं ये लड़कियां कहाँ से आती हैं, न तो इनके दिलों में शर्म हया और ना लोगों की फिक्र हुआ करती है यार, बताए तो सही। और आज जो ये बुराइयां फैल रही है ना, और ये जो लड़की एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो खुलेआम रेलवे स्टेशन पर मिल रही है ना मेरे भाई, अगरचे वालिदैन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम रेलवे स्टेशन पर मिल रही है ना, याद रखिए कि ये वालिदैन को हद से ज़्यादा छूट देने की वजह से ये लड़की ऐसी हरकत कर रही है मेरे भाई। वालिदैन वगैरह ना स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, लेकिन कभी भी वो पता नहीं करते कि वाकई में मेरी बेटी पढ़ने जाती है तो स्कूल में कॉलेज में जाती है या नहीं जाती है। ये तो निकली होगी ना स्कूल के नाम पर, ये तो निकली होगी ना कॉलेज के नाम पर, लेकिन बताएं यार कि ये कैसे अपने बीएफ के साथ खुलेआम रेलवे स्टेशन पर जो है मिल रही है, किसिंग वगैरह कर रही है और मजहब इस्लाम को बदनाम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है यार कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम की हकानियत और इस्लाम की सच्चाई को समझने की तौफीक अता फरमाए और मजहब इस्लाम पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।